अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, एक वीडियो में खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज जो है मैं आपको दिखाता हूँ हमारी जो एक मुर्गी है गोल्डन मिस्री जो सिर्फ पूरा साल अंडे देती है, जो क्रुक नहीं होती, हमारी वो मुर्गी क्रुक हो गई है। तो मैं आपको वो मुर्गी दिखाता हूँ, और उसके नीचे जो उन्होंने मुर्गियों ने दिए थे वो तो पड़े हैं, लेकिन हम आप देखते हैं कि उसके नीचे अंडे हम रखें या ना रखें। दोस्तों, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि हम जो ये मुर्गी हमारी जो अंडे के ऊपर बैठ गई है, इसको हम नीचे अंडे रखे रहने दें या फिर हम इसको उठा लें, क्योंकि ये जो मुर्गियाँ होती हैं ये अंडों के ऊपर नहीं बैठती, ये क्रुक नहीं होती। लेकिन ये जो हमारी मुर्गी है ये हो गई है, तो हो सकता है कि ये 21 दिन से पहले ही उठ जाए तो हमारे अंडे भी ख़राब हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि हम गोल्डन मिस्री के नीचे जो है वो अंडे रखें या ना रखें, ये आपने मुझे ज़रूर बताना है, और हम रखेंगे। नहीं तो दोस्तों, अगर ये उठ गई तो हमारे अंडे जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, तो इस तरह हमें नुकसान हो जाएगा। और मुर्गी की जो है, आपको पता है आजकल बहुत गर्मी है, तो मुर्गी की एनर्जी जो है वो भी ज़ाया हो जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी मुर्गी है और किधर बैठी हुई है। दोस्तों, ये जो है ये हमारा सर्दियों का लगा हुआ है, तो मैंने सोचा है कि इसको आप उतार लेते हैं। तो अभी इस टाइम तो मिलता नहीं है, तो अभी मैं आता हूँ शाम को ही, तो अभी मैं इसको उतार लेते हैं। तो ये हमने जो है वो उतार लिया है, ये पर्दा सो गया। अब जो है इसके हवा जो है वो अच्छी तरह से जो है वो हवा इनके अंदर क्रॉसिंग हो सकती है। जल्दी हम देखते हैं कौन सी हमारी मुर्गी है। देखिए, आप देख रहे होंगे रोशनी भी अच्छी तरह आ रही है। दोस्तों, ये हमारी मुर्गी है, और ये जो है वो क्रुक बैठ गई है। इसको हम बाहर लेके जाते हैं, देखते हैं कि ये उठती है कि नहीं उठती। तो अभी हम इसको लेके जाते हैं बाहर, इसके नीचे हम देखते हैं अंडे पड़े हुए हैं कि नहीं पड़े हुए। दोस्तों, इसके नीचे अंडे पड़े हुए हैं, और इसने जो है कमाल महारत से जो है अपने नीचे रखे हुए हैं। दोस्तों, ये जस्ती भाग गई। दोस्तों, ये जैसे मैं बाहर लेके आया, देखिए अंडे इधर ही हैं, और मुर्गी जो है वो भाग गई है। मुर्गी कहाँ पे गई है? ये जो है ये मुर्गी है, अंडे के ऊपर बैठी हुई है। दो दिन हो गए हैं, और अभी जब मैं इसको बाहर लेके आया टूट गई है। दोस्तों, ये कैसी क्रुक बैठी हुई है? तो अब हम बाहर लेके जाते हैं ये अंडे, और बाहर रख के देखते हैं, इसको ऊपर बिठा देंगे और देखते हैं कि ये ऊपर बैठती है कि नहीं बैठती। अंडे तो काफ़ी पड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दोस्तों, 11 पड़े हुए हैं, तो हम देखेंगे इसके ऊपर अगर सही तरह बैठ गई तो 11 ही ठीक है, नहीं तो काम कर लेंगे। और बाहर जाके देखते हैं, इसको ज़बरदस्ती बिठाते हैं, बैठती है कि नहीं बैठती। अगर बैठ गई तो कहीं और पे इसको रखेंगे। दोस्तों, अगर हमने यहाँ पर रख दी तो मुर्गियाँ जो हैं इसको तंग करेंगी और ये उठ जाएगी। तो हम बाहर ही रखेंगे इसको किसी ठंडी जगह पर, ताकि इसकी जो तवानाई है वो बरकरार रहे, और ये जो है अंडे को हैच अच्छी तरह से काट सके। तो बाहर इसको रखते हैं वैसे ट्राई के लिए कि ये बैठती है कि नहीं बैठती। उसके बाद एक आम चूज़ों की भी अपडेट लेंगे, नीचे जाएंगे चूज़े देखेंगे। आपने वीडियो को पूरी देखते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। हमारी मुर्गियाँ जो हैं खुल गई हैं और बाहर आप खेलने लगी हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना यार, ऐसे आप करते हैं वीडियो आप देख लेते हैं, आप ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूरी है, ज़रूरी करना है आपने, सब्सक्राइबर के बटन को तोड़ देना है आज आपने। देखिए, आपका मोबाइल ना टूट जाए, आराम से ऐसे दबा दें, अगर लाल है तो वाइट हो जाएगा, और वाइट हो गया तो बिल्कुल आप ठीक किया है। और नाक में एक आ जाएगी घंटी, उस घंटी को दबा के आल पे क्लिक कर देना है। दोस्तों, ठीक है ना? चले, अब हम इसको मुर्गी को बिठाते हैं और देखते हैं क्या करती है। दोस्तों, ये वाली मुर्गी है जो हमारी ग्रुप बैठी हुई थी, तो अब हम देखते हैं कि ये अंडों के ऊपर बैठती है कि नहीं बैठती। और इसको हम पहले अंडे जो है वो इकट्ठे कर लेते हैं, और इसको हम बिठाते हैं। दोस्तों, ये वैसे डर भी रही है इसलिए नहीं बैठ रही। ये मैंने वीडियो जो है दो दिन से इसलिए नहीं बिठाई, नहीं तो कि मैं देख रहा था कि ये उठती है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, ये दो दिन से अंडों पे ही बैठी हुई थी, देखिए डर रही है और ये बाहर जा रही है। लेकिन हम इसको बिठा के देखते हैं थोड़ी देर। मेरा भाई कह रहा है कि ये अकेले में बैठती है, तो हम इसको ना चले के जाते हैं और देखते हैं कि ये बैठती है कि नहीं। तो चलते हैं अभी नीचे, वहाँ पर चूज़े भी देखेंगे और इसकी जो है वो क्रुक भी हम देखेंगे कि बैठती है कि नहीं। तो अभी हम इसको नीचे लेके जाते हैं। तो ये पेटी भी है मेरे ख्याल में, नीचे ही ले जाते हैं, नीचे ले जाएं पेटी के, दूसरी में बिठाएंगे, मेरे ख्याल में दूसरी में बिठाएंगे या इसमें देख लेते हैं। दोस्तों, आपने सारा कमेंट में बताना है, नहीं तो मैं इसको उठा लूँगा। अभी हम जो है वो आरसी तौर पर बिठाते हैं, आपने कमेंट ज़रूर करना। आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट आपने ज़रूर करना, और उसमें बताना है आपने कि हम इसको बिठाई रखें या उठाएं। गर्मियों का मौसम है, एक तो आपने ये देखें,
इसकी खुराक का मसला होगा, इसकी सेहत का मसला होगा। दूसरा ये गोल्डन मिश्री है जो कभी भी उठ सकती है, कभी भी इसका मूड ख़राब हो सकता है। जैसे इसका मूड अब ग्रुप का हुआ है ऐसे इसका मूड भी तब्दील हो सकता है। तो आपने बताना है, आप जो कहेंगे वही आपको पता इस चैनल पे होता है, तो आपने जो कहना है वही होना है। तो चलते हैं आप नीचे, और मुर्गी जो है वो थोड़ी घबराई हुई है, आप इसके देख सकते हैं। पानी वगैरह इसको पिलाएंगे, उसके बाद इसके अंदर रख देंगे। तो नीचे घर वाले जो है वो नहीं मान रहे थे, तो ये वाला हमारे पास ऊपर ही कमरा है और यहाँ पर हवा वगैरह आती रहेगी। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है वो दरवाज़ा लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है, यहाँ देखिए, यहाँ पर हम जो है इजीली बिठा देंगे इसको। अभी हम पहले खिलाएंगे पिलाएंगे, उस तब हम रखेंगे, ठीक है ना दोस्तों, ताकि जो है इसकी सेहत अच्छी रहे। तो अभी हम इसको पानी और दाना खिलाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे और देखते हैं ये बैठती हैं। और यहाँ पर बदनी अब दूसरी मुर्गियों से अलहदा होगी तो भाई भाग के दोबारा उधर ही नहीं चली जाए। तो पहले हम इसको खाना वगैरह रखेंगे, फिर इसको यहाँ पर छोड़ेंगे। तो खाना रखते हैं फिर यहाँ पर इसको रखते हैं। तो ये हमारी मुर्गी है, और ये मैंने यहाँ पर जो है वो ले आया हूँ इसका खाना, और यहाँ पर आप इसको डालते हैं और देखते हैं खाती है कि नहीं। ये दोस्तों ये तो भाग रही है, वो भाग ही करता जो मैंने पहले बात की लेके आया हूँ उनकी जगह से। तो ये जनाब जाली उठ गई है, वैसे वहीं पर बैठी रहती हैं, तो इसको हम इसके हाल पे छोड़ देते हैं ना, हम अपने अंडे ज़ाया करवाते हैं और ना जो है इसको तंग करते हैं, तो इसको हम उधर ही छोड़ाते हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने चिक्स की तरफ और चिक्स देखते हैं उनकी क्या सूरत हाल है। तो चलते हैं हम चिक्स की तरफ और मैं आपको अपने चिक्स दिखाता हूँ जो निकले थे इनक्यूबेटर से। तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारे चिक्स हैं, वो जो हमारा ब्लैक वाला चिक्स था जिसकी टांगें जो थी वो ख़राब थी, तो हमने बहुत कोशिश की कि उसको जो है वो बचाए, वो थोड़ा चलना भी शुरू कर दिया था, लेकिन वो जो है वो बहुत ज़्यादा ही डैमेज था। आपको पता है, आपको मैंने दिखाया था पिछली वीडियो में किस तरह वो तड़प रहा था, तो उसकी जो है वो डेथ हो गया। बाकी हमारे चूजे बचे, ये इसकी जो अभी लात है आप देख रहे हैं, जो जिसकी गर्दन गंदी ही है, और ये आप देख सकते हैं कि इसकी अभी तक जो है वो लेग जो है वो डैमेज ही है, और ये लंगड़ा के ही चल रहा है, और जो बाकी हैं वो माशाल्लाह सही हैं और सही ग्रोथ कर रहे हैं। आप देखें इनके पार आ गया है। अगली वीडियो जो है वो मेरी ये होगी कि इनमें से कौन सी मुर्गी है और कौन सा मुर्गा है, तो आपने वो वीडियो को भी ज़रूर देखना, लाइक करना, ताकि आपको पता लग सके कि कौन सी जो है वो चीख जो है वो हम 10 डे का या उससे छोटा जो होते हैं हम देख सकें कि उसको किस तरह हम चेक करते हैं कि वो कौन मुर्गी है या मुर्गा है। तो अगली वीडियो वही होगी, आपने ज़रूर उसको बात करना है। और ये माशाल्लाह हमारे चीक्स हैं जो ग्रोथ कर रहे हैं, और आपने इनके लिए दुआ भी करनी है कि ये जो है हमारे जो चीक्स हैं, आपको पता है काफ़ी नुकसान हो गया था, 100 जो अंडे थे उनमें से सिर्फ और सिर्फ ये निकले थे 5-6, और दो हैं हमारे वो पहले ही जो है वो फोत हो गए हैं, और अब जो है वो ये हमारे पास 5 चूजे बचे हैं, और ये जो है वो अच्छी से ग्रोथ करें ये आपके सामने ही होंगे। आपने ज़रूर देखना है और व्लॉग में ये आते रहेंगे और इनकी अपडेट मैं आपको देता रहूँगा, और ये अभी आपके सामने है। तो यहाँ पर वीडियो करते हैं चीक के साथ ही एंड, और वीडियो को अगर आपने अभी तक एंड तक नहीं ना लाइक किया हुआ तो यार कर दो लाइक, सब्सक्राइब भी कर दो, और अच्छा सा कमेंट भी करना है, कमेंट करेंगे ताकि मुझे पता लगे आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगला कौन सा टॉपिक हो ये भी आप बता दिया करें, तो आपने ज़रूर बताना है कि वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए, किस चीज़ को डिस्कस करना चाहिए, कौन से परिंदे हम लेके आए, ये तमाम चीज़ें आप बताया करें, इससे हमें मोटिवेट मिलती है और हम अच्छी से अच्छी वीडियो जो है आपके लिए मैं लेके आऊँगा। तो आपने यहाँ पर करते हैं वीडियो का एंड, मैं मिलूंगा किसी और वीडियो का, तब तक अपना ख्याल, अल्लाह हाफिज़।